हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, जो आरबीआई अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो ये वीडियो पूरी देखना। तो स्पेशली ये वीडियो उनके लिए ही है कि आप लोगों को आने वाले 15-20 दिनों में कैसे तैयारी करनी है, पेपर के अंदर क्या क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, क्वांट में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, जीए में क्या आएगा, तो उसके ऊपर ये वीडियो है। जीए आपको कितने मंथ का पढ़ना है ये मैं सबसे लास्ट में बनाऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना आप, ठीक है? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है? तो इस वीडियो को देखना प्लस, और आपके लिए एक अलग से वीडियो मैं लेके आऊँगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है आरबीआई अटेंडेंट का। पहले कौन सा सेक्शन करना है, बाद में कौन सा सेक्शन करना है, तो वो वीडियो मैं एग्ज़ाम के आसपास लेके आऊँगा 1-2 अप्रैल को। तो उसके लिए आप कमेंट करना है कि आपको वो वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है? तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताऊँगा कि पेपर में क्या क्या आएगा, फिर मैं बताऊँगा कि आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, मॉक से कैसे क्या करना है, ठीक है? तो पहले बात करते हैं अपन पेपर में क्या क्या आएगा। पेपर में 4 सेक्शन आएंगे, है ना? 4 सेक्शन आएंगे पेपर में। पहला आएगा रीजनिंग, ज़रूरी नहीं पहला यही आए, अपन बात करते हैं रीजनिंग। एक आएगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्वांट, फिर आएगा इंग्लिश, चौथा आएगा जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, ठीक है? सब इनके 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, क्वांट के 30 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे और जीए के 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो टोटल इसमें है ना कंपोजिट टाइम मिलेगा, जैसे अभी दूसरे बैंक एग्जाम में होता है ना, एसबीआई क्लर्क में, इनमें प्री में अलग अलग टाइम मिलता है, वैसे टाइम नहीं मिलेगा। इसमें कंपोजिट टाइम मिलेगा 90 मिनट का, 1.5 घंटे का। किसी भी सेक्शन पे आप कभी भी मूव हो सकते हो, ठीक है? और इसमें सेक्शन कट ऑफ भी रहेगी, तो आप उसी हिसाब से अटेम्प्ट करना है पेपर भी, ठीक है? तो अब अपन एक एक सेक्शन को डिटेल में बताता हूँ किस में क्या आएगा, ठीक है? अब बात करते हैं अपन रीजनिंग की, है ना? रीजनिंग में क्या क्या आएगा, रीजनिंग में देखो दोस्तों, रीजनिंग ही आपका सिलेक्शन करवाएगी सबसे ज़्यादा, क्यों? रीजनिंग में जिनकी अच्छी कमांड है, जिनके 30 में से 25, 26, 27 मार्क्स आ रहे हैं अभी मॉक्स में, तो उनके और बढ़ाने अभी। अब देखो रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसके अंदर क्या क्या आएंगे, ठीक है? अब उसमें देखो 3 तो पजल आने की पॉसिबिलिटी है, पूरी पूरी 3 पजल आएगी नंबर 1 तो। और टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 3 पजल के, 15 क्वेश्चन हो गए। इसमें डबल वेरिएबल की पजल नहीं आएगी, सिंगल वेरिएबल की ही पजल आएगी, ठीक है? तो 3 तो पजल आएगी कंफर्म है, तो पजल को आप पजल पे प्रो बन जाओ, क्योंकि जितनी फास्ट पजल करोगे ना उतना टाइम होगा क्वांट में मिलेगा, इंग्लिश में ज़्यादा टाइम मिलेगा, जिनकी इंग्लिश वीक है उनमें ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो रीजनिंग में आपको प्रो होना ही पड़ेगा, उसके लिए पजल अच्छी करनी पड़ेगी। तो 3 पजल कन्फर्म है, तो पजल आप अच्छे से करो, और अगर पजल में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करना, तो मैं पजल के ऊपर भी वीडियोज़ लेके आ जाऊँगा जल्दी से जल्दी, तो पजल आपको कैसे बनाएंगे, ठीक है? अब एक क्वेश्चन मिलेगा आपको चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग से, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग से, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है? तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आएगा ना, तो उसमें 3 से 4 सवाल रहेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, क्लियर है? 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? फिर एक क्वेश्चन आएगा ब्लड रिलेशन का, जरूरी एक या तो ब्लड रिलेशन आएगा या फिर इसमें डायरेक्शन दे देंगे, ठीक है? तो इसके 3 से 4 सवाल रहेंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे इनके तो, ठीक है? फिर इनइक्वलिटी आने के चांस है, इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी या स्लोग, स्लोग के आने के चांस है 3 से 4 क्वेश्चन। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, 15, अगर 4 इसमें से 15, 4 19, 3 22, 22, 3 25, 26, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गए। फिर या इनइक्वलिटी के साथ अगर या ये चीज़ नहीं आए, तो फिर ये भी हो सकता है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज आ जाए आपके, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज जिसमें नंबर सिंबल सब दिए होते हैं, लेटर, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज वो और ईजी पड़ती है उसके, या उसके 5 क्वेश्चन आ जाए। तो जो ये बता रहा हूँ इसके आसपास ही यही पेपर रहेगा आपके लिए। और फिर अगर 2 से 3 क्वेश्चन बच गए, 2 से 3 क्वेश्चन, तो वो आ जाएंगे मिसलेनियस से, मिसलेनियस से। मिसलेनियस में क्या क्या आएगा, जैसे कोई वर्ड दे दिया आपको लेटर, ठीक है, लेटर वर्ड दे दिया, और इसमें बोलेंगे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के बीच में कितने वर्ड आते हैं, ठीक है, तो वो चेक करना आ गया। या फिर जैसे कोई नंबर दे दिया 0, 1, 9, 7, 8 ऐसे कुछ नंबर दे दिया, ऐसे कुछ भी नंबर दे दिया, फिर ये बोलेंगे कि इसको है ना आप मैथ्स के अकॉर्डिंग ऑर्डर में जमाओ, और कितने नंबर अपने सेम प्लेस पर रहेंगे, तो ये मिसलेनियस के क्वेश्चन हो गए। तो रीजनिंग में मेन पार्ट पोर्शन देख रहे हो आप,
50% है ना वो पजल ने ले रखा है, वो 50% जो है मिसलेनियस और अदर चीज को आप बोल सकते हो। तो पजल आपकी स्ट्रांग होगी ना तो रीजनिंग अपने आप स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको रीजनिंग को कितना टाइम देना है, मॉक में कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगी, हाउ टू अटेम्प्ट आरबी अटेंडेंट पेपर, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनेंगे, ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वांट के ऊपर, दूसरा क्वांट। क्वांट में भी कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 में क्या क्या आएगा, मोस्ट प्रोबेबली है कि 5 से 10 क्वेश्चन है ना, जैसे 10 क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के, सिंप्लीफिकेशन ऑब्लिक अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्वाड्रेटिक के, किसके, क्वाड्रेटिक के 5 मिलेंगे आपको, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में रॉन्ग भी आ सकती है, रॉन्ग या मिसिंग, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, ये सब इसी चैनल पे मैंने पढ़ाई हुई है। क्वाड्रेटिक को 5 क्वेश्चन कैसे 2 मिनट में करने हैं, कैसे सिंबल का यूज़ करना है, तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ढूंढना। अभी लेटेस्ट जो लास्ट वीडियो डाली थी ना मैंने, उसमें यही डाली थी सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन, तो वो देखना, ठीक है। और नंबर सीरीज की भी डाली हुई है, तो ये टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। फिर एक डी आई आ जाएगी, डी आई या तो एक डी आई भी मिल सकती है आपको, 5 क्वेश्चन डी आई के, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 5 सिंप्लीफिकेशन आते हैं तो फिर यहाँ 2 DI आ जाएगी, 2 DI भी आ सकती है, समझ में आया, 1 DI भी आ सकती है। फिर लास्ट में ये हो सकता है 8 से 10 क्वेश्चन है ना, 8 से 10 क्वेश्चन ये आपके अर्थमेटिक से आ सकते हैं, अर्थमेटिक में आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है कि अर्थमेटिक वीक है, तो आपको मैं जो जो टॉपिक बता रहा हूँ वो टॉपिक कर लो, वर्क टाइम कंप्लीट कर लो, ठीक है। बॉट स्ट्रीम कर लो, बॉट स्ट्रीम कर लो, पार्टनरशिप कर लो, पार्टनरशिप कर लो, TSD कर लो, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये कर लो, प्रॉफिट लॉस कर लो, तो 4-5 टॉपिक कर लो आप, ये क्वेश्चन कन्फर्म मिलेंगे आपको। तो ये क्वांट का हो गया, ठीक है। अब क्वांट को भी कैसे अटेम्प्ट करनी है वो भी मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मैंने देखे हैं इंग्लिश, और ये आपका सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन दिलाने में है ना, जिसका सबसे ज़्यादा रोल रहेगा ना वो इंग्लिश का रहेगा। जिसके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आएंगे ना उसका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस। अब इंग्लिश में भी 30 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में क्या क्या आएंगे इसके ऊपर बात करते हैं अपन, ठीक है। जैसे इंग्लिश में एक आएगा RC, अब RC को आपको सबसे पहले कभी करना ही नहीं है, RC आएंगे 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आएगा फिलर, फिलर आ सकते हैं आपके 4 से 5 फिलर, 4 से 5 क्वेश्चन। वर्ड स्वेप आ सकते हैं, सॉरी वर्ड स्वेप, तो जिनकी ग्रामर वीक है ना, ग्रामर पे आप ध्यान ही मत दो, बिना ग्रामर के भी ये पेपर क्लियर हो सकता है। जिनकी रीडिंग स्किल अच्छी ना, केवल फिलर, वर्ड स्वेप, RC ये करके ये आ सकते हैं, और क्लोज टेस्ट आ सकता है, क्लोज टेस्ट 4 से 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के ज़्यादा भी दिख सकते हैं। और एक ये आ सकता है कि रॉन्गली स्पेल्ट, रॉन्गली स्पेल्ट या किसी स्पेलिंग की गलत लिख दी हो, मीनिंग स्पेलिंग गलत लिख दी हो, उसके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। और पैराजम्बल आ सकते हैं, पैराजम्बल पैराग्राफ वाले के आने के चांसेस कम है, पैराजम्बल जो छोटे छोटे सेंटेंस वाला होता है ना उसके आने के ज़्यादा चांसेस है। और एरर फिर आ सकता है, एरर, ठीक है। तो एरर के 5 क्वेश्चन, तो देख लो आप ग्रामर का कितना रोल है, ओनली 5 नंबर का। तो ग्रामर की जगह आप इन पर ज़्यादा फोकस करो, तो इन्हीं के बीच में पेपर रहेगा। तो इनमें से आप वर्ड स्वेप स्ट्रॉन्ग कर दो, आप वर्ड स्वेप पे अच्छा काम करो, फिलर करो, और एक काम और करो आप ज़्यादा नहीं तो डेली का है ना, डेली का एक एडिटोरियल पढ़ लो आप, ये तो द हिंदू का पढ़ लो, इकोनॉमिक्स टाइम का पढ़ लो, एडिटोरियल पढ़ लो, उससे आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी, तो इनमें फ़र्क पड़ेगा। क्लोज टेस्ट, रॉन्गली स्पेल्ड, तो इंग्लिश में है ना ये वाली चीज़ें करो आप। ऐसे नहीं कि आप एडजेक्टिव पढ़ रहे हो, अभी ग्रामर पढ़ रहे हो, इतना टाइम नहीं। अगर अभी अभी तैयारी करने लगे हो आप, अभी छोटी क्लासेज में हो ना अभी आप, या ग्रेजुएशन में हो या 11th 12th में हो, तो उसके लिए आप रीडिंग स्किल अच्छी रखो, ठीक है। अब अपन सबसे मेन जिसमें सबको प्रॉब्लम हो रही है, GA कहाँ से पढ़नी है अपन, जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा पहले मैं यह बात करता हूँ, 30 क्वेश्चन आएंगे पहले तो इसमें से है ना दोस्तों, 20 क्वेश्चन अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ, 20 क्वेश्चन तो रहेंगे करंट अफेयर से रहेंगे, ठीक है, करंट अफेयर से रहेंगे,
करंट अफेयर से रहेंगे, उसके अलावा दो से तीन क्वेश्चन तो है ना हेडक्वार्टर से रहेंगे। हेडक्वार्टर की वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड करी हुई है। एक तो बैंक के हेडक्वार्टर, बैंक के अंदर सारे हेडक्वार्टर, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेटीएम बैंक, तो वो वाले हेडक्वार्टर प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर भी पूछे जाएंगे, ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये भी आप तैयार करके जाना। जीए में अच्छे नंबर लाने तो इनको भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। प्लस एक क्वेश्चन आपको नेशनल पार्क से मिल सकता है, तो ये अपलोडेड है, ये अपलोडेड है। एक से दो क्वेश्चन आपको करेंसी से मिल सकता है, कैपिटल करेंसी से। तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करना अगर आपको वीडियो चाहिए तो। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो एक से दो क्वेश्चन है ना ये कैपिटल करेंसी से मिलेंगे कि कौन से देश की कैपिटल क्या करेंसी। इसके ऊपर भी वीडियो बनानी है तो आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। काफ़ी सारी कैपिटल करेंसीज मेरे को याद है तो मैं आपको अपने बताऊंगा कि कौन कौन सी, जो जो इम्पोर्टेंट है ना, सारी तो मैं नहीं बताऊंगा, देखो बहुत सारी है, लगभग मैं 50 से 100 के बीच में बताऊंगा आपको, उनमें से आपके आ जाएगी एग्ज़ाम। फिर ये आ सकती है, प्लस बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन आ सकता है, स्टैटिक वाली बैंकिंग से। जैसे बैंकिंग से क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, आरबीआई की नेशनलाइजेशन से क्वेश्चन आ सकता है कब हुआ, आरबीआई की सब्सिडरी कितनी है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं। तो इसके ऊपर है ना, एक डिप्टी गवर्नर कितने हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने 28 मिनट की, उसके अंदर मैंने सब बता रखा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, उसमें से आपको कन्फर्म बोल रहा हूँ, उस वीडियो में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे यार। तो ये लगभग 30 क्वेश्चन हो गए आपके। तो इसी तरह से आप तैयारी करोगे, करंट अफेयर आएगा, ये आप पहले कंप्लीट करते जाओ, बैंकिंग हेडक्वार्टर इंटरनेशनल, इनको आप रटो मत, इनको आप ऐसे करो कि जैसे आज आपने ये हेडक्वार्टर ये याद कर लिए तो कल भी आप इनको, एक दिन तो आप इनको याद कर लो 1 घंटे तक, ठीक है, फिर डेली इनको 10-10 मिनट तक बस नज़रों के सामने से निकालो, तो ये क्या दिमाग में छप जाएंगे, वैसे भी ऑप्शन आएंगे ऐसे। अब अपन सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, करंट अफेयर अपन को कितने मंथ का पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर अपन को कितने मंथ का पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर दोस्तों चैनल है यही, अपने चैनल का नाम एचपी सक्सेस क्लासेस, यहीं से पढ़ना है आपको जी। करंट अफेयर कितने मंथ का पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, कितने मंथ का पढ़ना है दोस्तों, 6 मंथ का ही पढ़ना है आपको, क्यों, क्योंकि अभी जस्ट आयु का पैटर्न चल रहा है ना, कुछ भी पूछ रहे हैं, ये पुराने भी पूछ रहे हैं, इसलिए 6 मंथ का तो कवर करना ही है। 6 मंथ में भी कौन कौन से ज़्यादा पढ़ना है, जैसे 6 नहीं तो 5 मंथ आप ले लो कन्फर्म, है ना, नवंबर और दिसंबर, इस इनको तो आप इसी चैनल पे है ना, मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डाल रखे सारे एग्जाम लेवल के, तो इसी चैनल पे है ना वो अपलोड किए हुए हैं, तो वो यहाँ से कंप्लीट कर लो। और नवंबर दिसंबर को आप थोड़ा मतलब लाइटली लो, है ना, लाइटली, है ना, नवंबर दिसंबर को थोड़ा लाइटली लो। जो स्ट्रॉन्ग करना है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, वो है 4 मंथ आगे वाला, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के 5 अप्रैल तक, 5 अप्रैल तक पढ़ लेना आप, क्योंकि एग्ज़ाम से शायद 10 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, तो 5 अप्रैल तक के पढ़ लेना इनफ है। अब इन 3 महीनों को आप घोट लो, जनवरी तो इसी चैनल पे मैंने अपलोड किए हुए हैं, 3 पार्ट डाले हैं, और नवंबर दिसंबर के, नवंबर के 3 पार्ट है, नवंबर के 3 पार्ट है इसी चैनल पे। ठीक है, दिसंबर के भी 3 पार्ट है इसी चैनल पे। और एक बार आप वीडियो देखना, आपको क्वेश्चन खुद लगेगा कि यार क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, और काफ़ी कम टाइम में, जैसे 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, और इतने कम टाइम में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे एक घंटे टोटल नवंबर के 3 पार्ट है ना, तो नवंबर के 3 पार्ट मिला के शायद 1 घंटे के होंगे, तो 1 घंटे के अंदर आप नवंबर तैयार हो रहा है, उसमें जो मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस इससे आपको जल्दी जल्दी ख़त्म होता जाएगा। तो नवंबर के, जैसे नवंबर की पीडीएफ आपने आज कर ली तो कल दिसंबर कर लो, तो 1 वीक में ऐसे कर लो, फिर वापस उनको रिवीजन आपको ना कम से कम 3-4 बार करना है। तो पहले जनवरी बता दिया, जनवरी के भी मैंने 3 पार्ट अपलोड किए हैं इसी चैनल पे, वो देख लेना। फरवरी के लिए मैंने 101 क्वेश्चन की वीडियो डाली हुई है, 101 क्वेश्चन की, 4 RBI ग्रेड भी ECGCPO के लिए, उसमें थंबनेल में लिखा है RBI अटेंडेंट वाले भी पढ़े, तो 101 क्वेश्चन वाली जो फरवरी की वीडियो है ना वो पूरी देख लो, उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, और फरवरी के और अपलोड कर दूंगा मैं। और मार्च के जो है ना, आज या कल में अपलोड हो जाएंगे, मार्च के 3 पार्ट अपलोड होंगे, 3 पार्ट प्लस। और मैं एक बताना भूल गया दोस्तों, बजट से है ना, बजट अगर आपको अच्छे से याद करना है, देखो पढ़ाया तो YouTube पर खूब सारा मिल जाएगा, अगर याद करना है ना तो आप ज़रूर कमेंट करना, तो मैं वीडियो बनाऊंगा, और इस तरह से मैं आपको है ना उनको लिंक करके बताऊंगा ना, आपको उस वीडियो के अंदर याद हो जाएगा, ये गारंटी लेता हूँ।
तो बजट से आपके 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट अफेयर, और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो यहाँ यहाँ से आपको करंट अफेयर पढ़ना है। तो अब आप इस वीडियो का जैसा रिस्पॉन्स आएगा ना, उस हिसाब से मैं करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करूँगा। और आरबीआई अटेंडेंट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उसकी सीरीज भी मैं एग्ज़ाम से 5 दिन पहले लेके आऊँगा। जैसे 10 अप्रैल को एग्ज़ाम है ना, तो 5 अप्रैल से 8 अप्रैल या 9 अप्रैल तक मैं ना 4 क्लास लेके आऊँगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए। इन्हीं वीडियो में से ही होंगे, वो आएगी 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक, तो 9 या 8 अप्रैल तक जब भी एग्ज़ाम होगा उससे 1 दिन पहले। तो वहाँ ये केवल आरबीआई अटेंडेंट के लिए है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। प्लस अब रीजनिंग के लिए, अब आपको तैयारी कैसे करनी उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो आप क्या करो, अब जैसे जिन जो भी बिल्कुल बिगिनर है, उन्होंने, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा आज से, है ना, 24 मार्च है ना, 23 मार्च है, तो नेक्स्ट डे की बात कर रहा हूँ, है ना। तो डेली को, है ना, डेली आप मॉक दो और उसको एनालिसिस करो अच्छे से, ठीक है। प्लस डेली आप, है ना, 5 पजल बनाओ अच्छे लेवल की, ठीक है। पजल की पीडीएफ भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में कर देना, फिर मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। देखें टेलीग्राम चैनल, या अगर टेलीग्राम चैनल भी बना सकते हैं तो उस पर अपलोड करवा दूँगा। 5 पजल बनो, 2 DI बनो आप, सिंप्लीफिकेशन बनो आप डेली, 10 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के 2 सेट करो। ये सब प्रोवाइड है मेरे पास, तो आप कमेंट करना, मैं अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल बना दूँगा, ठीक है। 2 चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग करो, सेट करो, और सिंपली नंबर सीरीज करो आप 10 से 15 नंबर सीरीज में रॉन्ग और मिसिंग मिला के। प्लस एडिटोरियल पढ़ो आप, और जीए को कितना टाइम देना है, है ना, जीए को कितना टाइम देना है, तो जीए को आप, है ना, 2 से 3 से 4 घंटे दो डेली, ये भी कम बता रहा हूँ मैं, अभी 3 से 4 घंटे दो, ताकि इनमें भी आप अभी थोड़ा प्रो बन सको। फिर जैसे एग्ज़ाम के पास आएगा ना, 1 अप्रैल से क्या करना है, बस 1 अप्रैल से आपको बस मौके देना, फिर उसको एनालिसिस करना, ये काम छोड़ देना, फिर 1 अप्रैल से आप 6 से 7 घंटे करना, ठीक है। और जीए को रिवाइज कितनी बार करना है, जो भी पढ़ो ना आप जीए का, उसको आप, है ना, कम से कम 4 बार रिविजन करके जाना। रिविजन इज अ की ऑफ सक्सेस, समझ लो, क्योंकि रिविजन में ना आपको पता ही नहीं, कन्फ्यूजन होगा। तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि मैं करंट अफेयर कैसे याद करता हूँ, उसकी भी ट्रिक होती है, मतलब ट्रिक ऐसे नहीं कह रहे कि ट्रिक आप खुद की बनाओ, ऐसे नहीं कुछ कहानी पूरी, बस जो भी टर्म आ रहा है, आंसर आना है, उसके ऊपर कुछ जोड़ लो आप अपना, तो वो आपको याद रहेगा, ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आ जाएंगे ना सारे, तो सारे एक जैसे लगते हैं, तो ऐसे बहुत जगह कन्फ्यूजन होता है। तो कैसे करंट अफेयर पढ़ना है, तो करंट अफेयर की जो ये वीडियो डाली है ना, ये सारी देखना आप, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना सबको, कि कैसे क्या करना है, है ना। और प्लस आप इसमें ब्लड रिलेशन के भी सेट करो, ब्लड रिलेशन है ना दोस्तों, रीजनिंग के सेक्शन में आप ब्लड रिलेशन पहले मत करना, ब्लड रिलेशन के भी 3 क्वेश्चन कर दो आप डेली के, और क्या देखें, और 5 से 10 सवाल अर्थमेटिक के भी करो डेली। अर्थमेटिक के टॉपिक बताए मैंने, मेन वही करो आप, सारे नहीं कर सकते हो तो स्लोग भी करो, इनइक्विटी करो, और मेन इन पार्ट को कम टाइम देना, मेन पार्ट देना पजल को, सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा चांस है, पजल को ज़्यादा टाइम देना, पजल में प्रो हो जाओगे ना। अगर आपने 8 या 9 मिनट में 3 पजल बना ली, तीनों पजल 3-3 मिनट में, तो काफ़ी ज़्यादा आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। और पेपर को पूरा देखना है, पेपर को अटेम्प्ट करने कैसे करना है ना, उसके अलग से वीडियो बनेगी, हाउ टू अटेम्प्ट, उसके ऊपर वीडियो बनेगी, हाउ टू अटेम्प्ट आरबीआई अटेंडेंट पेपर, अटेम्प्ट आरबीआई अटेंडेंट पेपर, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जल्दी बनाऊंगा, ठीक है। तो आप कमेंट करना, आपको वीडियो चाहिए तो आप जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे ना, तो उस हिसाब से मैं बनाता जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आप तैयारी में लगे रहो, और कुछ भी आपके डाउट हो तो कमेंट करना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। हैव ए नाइस डे।